नमस्कार। सिद्धांतों के अगले क्रम में हम जिस सिद्धांत का अध्ययन करेंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है, जो शिक्षण में भी है, अधिगम में भी है, और बच्चे कैसे सीखते हैं या अधिगम का प्रकार पूछा जाए उसमें भी है। तो वो है गैने का अधिगम, सोपान की। अगर पूछे पहला प्रश्न कि कितने सोपान है, तो याद रखिएगा 8 हैं। गैने के कितने सोपान हैं जो अधिगम के, वो है 8। अब बात करेंगे वो 8 कौन से हैं। तो पहले नाम सुन लीजिए, संकेत अधिगम, ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, सादृश्यता अधिगम, विभेदीकरण अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, अब बात करेंगे कि है क्या। कि कभी कभी क्या होता है जब हमको सिखाना रहता है, जैसे पावलोव ने कहा कि आप एक संकेत द्वारा किसी को सिखाते हैं, वो घंटी, वो बेल, लेकिन वो संकेत क्या होता है, कृत्रिम होता है। किसी कृत्रिम उद्दीपक के संकेत के द्वारा अगर आप किसी को सिखाते हैं तो इसको कहेंगे क्या, संकेत अधिगम। ठीक है, ये सबसे निचला स्तर होता है अधिगम सोपान की का, गैने के अनुसार। फिर इससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा, हम क्या करेंगे, हमेशा विकास की ओर उन्मुख रहेंगे, तो और अच्छे की बात करेंगे। और अच्छा क्या होगा, इससे अच्छा होता है उद्दीपक अनुक्रिया, जैसे आपका स्किनर ने कहा, आपके थॉर्नडाइक ने कहा, उस प्रकार का अधिगम जो होगा वो क्या होगा, संकेत अधिगम से ज़्यादा अच्छा होगा। उसमें क्या होता है, जो आपका स्टिमुलस होता है वो वास्तविक होता है, जैसे भोजन, ना कि घंटी। आप क्या कर रहे हैं, अब भोजन को आप उस दिखा के उससे रिस्पांस ले रहे हैं, तो इसमें एक एस और आर के बीच बंध बनता है, तो इसको कौन से प्रकार कहेंगे, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तीसरा आपका जो स्टेज है वो क्या है, आपका श्रृंखला अधिगम। तीसरा चरण पूछे तो कौन सा स्टेज है, श्रृंखला अधिगम। तो इसमें क्या होता है, जो सीखते हैं वो दो प्रकार से सीखते हैं, कौन कौन से प्रकार, एक है शाब्दिक, एक है गतिक। क्या अगर अगर आप चीज़ों को श्रृंखलाबद्ध करके सीखे, जैसे क ख ग घ ङ, और फिर आपने सीख लिया कि हाँ क ल म, तो ये क्या है, एक श्रृंखला पद्धता है आपकी। तो इस प्रकार से अगर किसी चीज़ को चेन वाइज, यहाँ पे जो श्रृंखला आपने बनाई क ख ग घ की, 1 2 3 4 की, कौन सा किसके बाद आएगा, तो वो आपका अधिगम का जो तरीका होता है तीसरे स्तर का, वो होता है श्रृंखला अधिगम। जैसे इसमें शब्दों को सिखाना आपने सीख लिया, गतिक वाले में क्या होता है, आपको ताला खोलना सीखना है, तो आपको पता है कि ताला कैसे खुलता है, लेकिन जब आप घर पे अकेले हैं और आप लॉक करके बैठे, कोई आता है तो आप क्या करेंगे, उठेंगे, चाबी ढूंढेंगे, ताले के पास जाएंगे, ताले में डालेंगे, उसको घुमाएंगे, खोलेंगे और उनको अंदर लाएंगे। तो एक क्या करा, अपने सीरीज बनाया, 1 2 1 2 2 3, तो वो इस प्रकार का सीखना क्या होता है, श्रृंखला अधिगम कहलाता है। इसके इससे भी अच्छे की बात की उन्होंने क्या, सादृश्यता। अगर दो चीज़ों में एक जैसे समानता दिखा के आप सीखते हैं, वो क्या होती है, सादृश्यता। जैसे श्रृंखला तो आपको पता चल गया, सादृश्यता में भाषा को सिखाने में बहुत अच्छा ये माना जाता है, जैसे आप उसको पानी दिखा रहे हैं, जल दिखा रहे हैं, उसको पानी उसको पता है, और उसको जल बता रहे हैं और वाटर बता रहे हैं। तो दो चीज़ों में जब समानता बता के अगर किसी चीज़ को सिखाया जाए, तो ये क्या होती है, सादृश्यता अधिगम के अंतर्गत आता है। ये कौन सा स्टेज है, चौथा। पांचवा क्या है, विभेदीकरण अधिगम। विभेदीकरण में क्या, देखिए समानता, दो सीनरी है एक समान दिखेंगी, लेकिन क्या करता है, आपको पेपर पेपर में देखते कटिंग में क्या अंतर बताता है, दो पहाड़, फिर फूल, सूरज उग रहा है, सूर्य उग रहे हैं, तो इस प्रकार से क्या आपस में जब डिफरेंस करते हैं तो ज़्यादा क्रिटिकली उसको एनालिसिस करते हैं कि नहीं, आप एक एक चीज़ को बारीकी से देखते हैं। तो उस समानता से भी अच्छा अगर अधिगम है तो वो कौन सा है, विभेदीकरण अधिगम माना जाता है। कौन सा स्टेज है, पाँचवा स्टेज है। इसके बाद कौन सा स्टेज आपका अच्छा होता है, गहने के अनुसार, और ऊपर जाएंगे तो संप्रत्यय अधिगम, जो आपके संप्रत्यय होते हैं कॉन्सेप्ट, उनको उनका जो अधिगम होता है कि हाँ चीज़ें, ये कहते हैं ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, आप अंतर तो कर ले रहे हैं, हाँ समानता बतला दे रहे हैं, सीरीज में लगा रहे हैं, लिख रहे हैं, एग्जाम भी दे के आ रहे हैं, लेकिन अभी तक आपका क्या हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। तो क्या होता है, विभेदीकरण से भी ज़्यादा डेवलप, क्या आप उसके संपूर्ण पक्ष को जब जान जाएं तो उसको कहेंगे कॉन्सेप्ट बनना। संवेदना और प्रत्यक्षण दो चीज़ें इसमें आती हैं, उस चीज़ों को एक्सेप्ट कर दे, उसको प्रत्यक्षीकरण करने के लिए आप तत्पर होते हैं, तो पूरा टोटल क्या, उस चीज़ को अगर आप बता सकें तो कहेंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये आपका छठा स्टेज है। इसमें क्या करता है, इसमें वर्गीकरण, विभेदीकरण, सामान्यीकरण, तीन प्रक्रियाएं आती हैं। अब नीचे देखिए विभेदीकरण है ना, लेकिन संप्रत्यय वाले में वर्गीकरण, विभेदीकरण और
आपका सामान्यीकरण भी आता है कि उस चीज़ का क्या हम करें जनरलाइजेशन कर सकें। तो ये कौन सा स्टेज है? छठा स्टेज संप्रत्यय अधिगम। सातवां स्टेज क्या है? सिद्धांत या नियम अधिगम होता है। इसमें क्या करते हैं, जो अच्छा आपने कॉन्सेप्ट तो बना लिया, अब वो सही है कि नहीं, अब ये भी तो देखना है कि आप समझ रहे हैं कि हम किसी को मार रहे हैं तो हमें भी लग रहा है, ठीक है, लेकिन उतना ही लग रहा है ये नहीं मान रहे, तो आपने सब कॉन्सेप्ट तो बना ना कि हाँ विभेदीकरण सामान्यीकरण कर ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो चीज़ है कि नहीं। वो क्या होता है? सिद्धांत होता है जिसमें ग्रहण करने योग्य आपका संप्रत्यय है कि नहीं, नियंत्रित व्यवहार है कि नहीं, कि वास्तव में जो सत्य है उससे आपका संप्रत्यय कोलैप्स करेगा, तो इसको कहेंगे नियम या सिद्धांत अधिगम, ठीक है। लेकिन आपको बहुत पता है हर चीज़, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको नियम कानून पता है। देखिए आपको कहें कि देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे, ठीक है, आपको पता है, कॉन्सेप्ट बता दिया, सिद्धांत बता दिया कि हाँ हमारे देश की वजह से हम हैं, इसके लिए इतना करना है, तो आपका सिद्धांत भी है। लेकिन अगर आप पैर देख, हाँ वॉर हो गई और आपको करना है, आपको सेना में जाना है और आप पीछे हट जाएँ, तो क्या इस अधिगम को अच्छा मानेंगे? सिद्धांतवादी जो होते हैं वो सिद्धांतों पर ही चलते हैं, लेकिन वास्तविक जो सबसे अच्छा अधिगम होता है वो होता है समस्या समाधान। जब आपका वास्तविक जो परिस्थिति है अगर उसका समाधान नहीं कर पा रहे, तो आपका सिद्धांत भी बेकार है, आपका विभेदीकरण भी बेकार है, सामान्यीकरण भी बेकार है, हर चीज़ बेकार है। तो यहाँ पर जो सबसे सर्वोच्च स्तर आठवा पूछा जाए तो वो है समस्या समाधान, जिसमें मौलिकता और सृजनात्मकता आती है, और इसमें जो आपने चीज़ें सीखी, जो सिद्धांत ग्रहण किए, वो क्या करेंगे आप, वो उसका वास्तविक परिस्थिति में उपयोग करते हैं। तो ये क्या हुए आपके प्रमुख, आपके सिद्धांत स्टेज है, सोपानिकी है, जो कहने के अनुसार दी गई है।